चलिए अब बारी है चौथे वचन की। चौथा वचन है जिम्मेदारी का। वचन दीजिए कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने में कोई भी जरूरत को पूरी करने में कभी कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। दीजिए, आप हमारे परिवार की हर जिम्मेदारी, हर जरूरतों को पूरा करेंगे। हाँ भाई, बोल दीजिए। सोच लो रौनक, पापा की तरह घर की पूरी जिम्मेदारी ले लोगे, निभा पाओगे सारी जिम्मेदारी? अरे सोच क्या रहा है इतना, चल दे वचन, बहुत ऐश कर ली तूने। अब तुझे मुस्कान की सारी छोटी बड़ी बातें माननी होगी, सारे काम करने होंगे। चल जल्दी दे वचन। इस वचन के बाद सिर्फ तीन ही और वचन बचे। कैसे रुकेगी ये शादी? ना रौनक जी कुछ कर रहे हैं, ना ही सर जी। रुक जा, मत दे ये वचन बिटुआ। क्योंकि तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ओनू के बैल की तरह खूंटे से बंधा रहेगा, पूरी जिंदगी गोल 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 घूमता रहेगा। मेरा 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 मतलब था मेरे दोस्तों कि ये हमारे साहबजादे हैं, ये खुले आसमान में उड़ना जानते हैं, ये उम्र का तकाजा है ना, ये हमारा हमारा राजा साहब है, तो ये कैसे बन के रह सकता है? अरे हम तो बंधना चाहते थे इसलिए बंध के रह गए, लेकिन तुमसे ये नहीं होगा बचवा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, आपका बेटा है, अगर आपसे हुआ है तो इससे भी होगा। दे रौनक बच्चा। आप ही की संतान है वहां, वचन देने से पीछे नहीं हटेंगे। वचन है कि हम सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और पत्नी को कोई कमी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब पांचवा वचन। पांचवा वचन है सम्मति का वचन। वचन दीजिए कि आप अपने सभी कार्यों में, हर लेन देन में, खर्चों में अपनी पत्नी की सम्मति जरूर लेंगे। इसमें हम क्या सहमति देंगे गायत्री जी, सारी जिम्मेदारियां तो आप ही निभाती हैं, सारा हिसाब किताब आपकी उंगलियों पर ही तो है, और हमें पॉकेट मनी भी तो आप ही देती हैं। सर कुछ भी बोलते हैं आप, चलिए दीजिए सीधे सीधे वचन। लो जी ये वचन देता हूँ कि हमारा ये घर गायत्री जी के हिसाब से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। बेझिझक मांगो ये वचन। वैसे मेरा रौनक जो है थोड़ा मनमौजी है, लेकिन अब इसकी मन मर्जियां नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। मैं तो चाहती हूँ कि इसके सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब तुम्हारे कब्जे में रहे, ताकि इसके खर्चे कंट्रोल में रहे। और मैं तो ये भी सोच रही थी कि शादी के बाद ना चाबी का सारा गुच्छा मैं तुम्हें सौंप दूंगी, बस मुक्त हो जाऊंगी मैं। आपने पता नहीं कितनी ही उम्मीदों के पुल बांध रखे और मुझे पता तक नहीं, मुझे
मुझे कितनी दूर तक चलना है इस रास्ते पर। मांग ले वचन मुस्कान, चल जल्दी कर, मुहूर्त निकला जा रहा है। वचन दीजिए, आप सभी कामों में, लेन देन में, खर्चों में मेरी सहमति लेंगे। सहमति नहीं, ये क्या कर रहे तो? अभी भी थोड़ा सा मौका है, संभाले अपने आप को, अपने कदमों को पीछे खींच खींच, हिम्मत लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा था ना तुझे। कैसे वहां के सामने हम नहीं क्या कहें? कुछ जो बुलवाना चाहते हैं हम बस बोले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और आप क्यों चुप है? आप बोलिए ना, बोल दीजिए, बचा लीजिए हमें। संभाल लीजिए, इससे पहले कि वहां घर की चाबियां, तिजोरी की चाबियां, सब कुछ मुस्कान को देते। कोई डील हुई है क्या? यहाँ कोई बिजनेस डील नहीं हो रही है। बात बात पे बाप बेटा पता नहीं क्या डिस्कस किए जा रहे हैं। मुस्कान ने वचन मांगा है, वचन दो, बार बार इतना नहीं सोचते। चलो रौनक। हाँ तो बस ये सोच रहे थे कि इन्हें इस कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए या फिर मैनेजर। चलो ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना देते हैं। हम इसे चाहते हैं कि इनकी सहमति के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। दो ही वचन बचे हैं। तू कहां किस खाई में गिर रहा है तुझे पता भी है? अब छठे वचन की बारी। आप कभी भी मेरे सखी सहेलियों के सामने, जान पहचान वालों के सामने, सगे संबंधियों के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे? मैं वचन देता हूं। वचन दीजिए, अब मेरी सखी सहेलिया, सखी संबंधी, जाने अनजाने लोगों के बीच मेरा सम्मान करेंगे। नजनिया का सम्मान सिर्फ कोठे में होता है, बाकी सब जगहों पे उसे तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है। अरे कैसे देगा इसे सम्मान? लोग तेरा सम्मान करना बंद कर देंगे जब उन्हें पता चलेगा नचनिया को तूने अपनी पत्नी बनाया हुआ है। रौनक देना बेटा वचन, फिर क्यों सोचने लग गया? वचन देते हैं, कभी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। तुम्हारे सगे संबंधियों, तुम्हारे अपनों के बीच हमेशा तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। अच्छा जाने अनजाने में हो गया, उसके लिए सॉरी। अब तुम दोनों का आखिरी वचन है। सातवां वचन जो होता है वो है भरोसे का वचन, वफादारी का वचन होता है। पति पत्नी के इस आपसी प्रेम में, इस बंधन में कभी किसी और, किसी पराई स्त्री को भागीदार नहीं बनाएंगे। हाँ गायत्री, मैं वचन देता हूं। मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरी को आने नहीं दूंगा, किसी पराई स्त्री को भी नहीं आने दूंगा। हमारे रिश्ते की पवित्रता इसी तरह बनी रहेगी।
चोर साला चोरी से कतरा जाए, डाकू डकैती से घबरा जाए, लेकिन ये आदमी झूठा वचन देने से पहले एक तक भी हिचकिचाता नहीं है। मुस्कान, मांगो ये वचन। वचन दीजिए कि आप पति पत्नी के रिश्ते में, प्यार में कभी किसी और या किसी पराई स्त्री को भागीदार नहीं बनने देंगे। वचन देते हैं कि कभी किसी पराई स्त्री की तरफ देखेंगे भी नहीं। हमारे लिए बस तुम हो और तुम्हारे साथ ही हमारा जीवन है। बिछुआ, क्या कर रहा है तू? होश में है? अब क्या फेरे लेगा इसके साथ? सातों वचन संपन्न हुए, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हाँ हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी। के चक्कर नहीं ले रहा, खुद को फंसा रहा है इस चक्कर में। प्लीज चक्कर से निकाल लीजिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। चलिए पहला फेरा प्रारंभ कीजिए। भी शुरू हो गए। हमें दिख रहा है, हम ब्लाइंडियां नहीं गए हैं। रुकेंगे इस शादी को, लेकिन वो कहाँ कुछ कर रहे हैं? तसल्ली रखो, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पापा, एक तीसरा फेरा है, चार बाकी है, बचा लीजिए प्लीज। तूने ही गुलाड़ी पे पैर मारा है, तुझे ही पैर हटाने पड़ेंगे, बाकी मैं हूं संभालने के लिए। पापा प्लीज। मैं हूं। तीसरा फेरा संपन्न हुआ, अब चौथे फेरे से वधु आगे हो जाएंगी। चलो आओ। बाहर भी जाए तो <स्थाथ
कितनी तसल्ली रखूं? सचिन तो कहीं नहीं दिख रहे, अब कौन रोकेगा शादी? रौनक जी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। अरे रुक क्यों रहा है बार बार? यहाँ ध्यान दे रौनक और अपनी पत्नी पे, अभी भी 3 फेरे बाकी हैं, चल जल्दी कर। फेरा होने से पहले शादी रोक लीजिए, अगर सर जी को कुछ करना होता तो कब का कर चुके होते। आप भी रोक सकते हो, प्लीज प्लीज रोक लीजिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना है सर साफ ही करेंगे। क्या कर रहे हो तुम दोनों, ऐसे बार बार रुकते नहीं, शुभ काम में बाधा नहीं डालते हैं। चलो जल्दी करो, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। फेरा और आखिरी फेरा है, इसे संपन्न होते ही आप पूरे विधि विधान के अनुसार पति पत्नी कहलाएंगे। ठीक तो है ना पापा? पापा आंखें खोलिए। गाड़ी निकालो, अभी निकालते भैया।